नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं, किचन टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जो आपके किचन में आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप्स है प्याज को लेके। जब भी हम प्याज काटते हैं आँखों में आंसू आ जाते हैं, तो आप क्या करें, प्याज को पहले अच्छे से छील लें और फिर इसे पानी में रख दें 5-7 मिनट के लिए, और फिर आप प्याज को बारीक काटें, आंसू नहीं आएंगे और प्याज आंखों में लगेगा भी नहीं। दूसरा टिप्स है हमारा कच्चे नारियल को लेके। अक्सर हम ज़्यादा नारियल ले आते हैं और नारियल जो है वो ख़राब हो जाता है। ज़्यादा दिन तक नारियल ताज़ा बना रहे, उसके लिए हम थोड़ा सा नमक नारियल पर डाल देंगे और इसे अच्छे से मसल देंगे। देखिए इस तरह से, इससे नारियल पीला भी नहीं पड़ेगा और हमारा नारियल जो है वो ताज़ा बना रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। अब हम इसमें पानी डालकर फ्रीज में रख देंगे। पानी ज़रूर डालें, तभी आपका नारियल जो है ताज़ा बना रहेगा। और अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे, जब आपको खाना हो तब आप नारियल खा सकते हैं। ये 8 से 10 दिन तक इसी तरह ताज़ा बना रहेगा। जब हम चाय बनाते हैं अक्सर चाय बाहर आ जाती है। फ्रेंड, चाय बाहर ना आए और इसके लिए हमें क्या करना है, चाय के अंदर हम इस तरह से एक चम्मच रख देंगे और इसी तरह चला देंगे और फिर इस तरह से चम्मच को छोड़ देंगे और मीडियम फ्लेम पे चाय को उबाल लेंगे। इससे हमारी चाय जो है बाहर भी नहीं आएगी, गैस भी गंदा नहीं होगा और चाय अच्छे से उबल कर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये टिप्स आप ज़रूर अपनाएं, क्योंकि चाय तो हम सुबह शाम रोज़ ही बनाते हैं और ये टिप्स आपके बहुत ही काम आने वाला है। आप इस तरह से चाय बनाएं और चाय पिए, बहुत ही टेस्टी और अच्छी चाय आपकी बनकर तैयार होगी और गैस भी गंदा नहीं होगा और चाय बनाते वक्त बाहर भी नहीं आएगी। देखिए हमारी टेस्टी सी चाय बनकर बिल्कुल तैयार है पीने के लिए। ये किस टिप्स आप ज़रूर अपनाएं। जब हम भरता बनाते हैं तो बैंगन अक्सर ख़राब आ जाते हैं और बैंगन का छिलका उतारने में भी प्रॉब्लम होती है। बैंगन का छिलका आसानी से उतर जाए, उसके लिए क्या करेंगे, हम बैंगन के ऊपर अच्छे से तेल लगा देंगे। और अब हम बैंगन को कट करके देख लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, हमारी गैस भी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर बैंगन ख़राब है तो आप उसे ना सेकें और इस तरह से बैंगन को अच्छे से चेक कर लें, ताकि बैंगन जो है फ्रेश हो और कीड़े भी ना हो। और अब हम बैंगन को भून लेंगे। अगर बैंगन भूनने के बाद हम चेक करते हैं तो हमारी गैस भी ख़राब जाती है और जो भरता है वो भी अच्छा नहीं बनता है, कभी कभी कीड़े जो है दिखते भी नहीं हैं। तो ये टिप्स आपके किचन में बहुत काम आने वाला है। देखिए बैंगन अच्छे से भून कर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं इसका छिलका अपने आप उतर रहा है। ये टिप्स बहुत ही काम आने वाला है। फ्रेंड्स, आप अपने किचन में ये टिप्स ज़रूर अपनाएं। मैं आपको छिलका भी उतार के दिखाती हूँ। देखिए कितना फटाफट छिलका उतर के तैयार हो जाता है और ये बैंगन भी इसके साथ नहीं आता है और बहुत ही आसानी से छिलका हम उतार सकते हैं। प्याज जल्दी भूनने के लिए हमें क्या करना है, जब भी हम प्याज भूनें किसी भी ग्रेवी के लिए, तो आप उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दें। पर ध्यान रखें कि आपने नमक डाला है, ताकि सब्जी के अंदर नमक ज़्यादा ना हो। और फिर आप प्याज को भूनें। प्याज जो है 2-4 मिनट में भूनकर तैयार हो जाएगी। देखिए बहुत ही जल्दी प्याज भूनकर तैयार होती है फ्रेंड, चाहे आप कितना भी प्याज भूनें। इस ये टिप्स आप ज़रूर अपनाएं। अक्सर हम कसूरी मेथी ज़्यादा ले आते हैं तो कसूरी मेथी के अंदर कीड़े लग जाते हैं, तो कसूरी मेथी को ज़्यादा दिन तक स्टोर रखने के लिए हम कसूरी मेथी को तवे पर अच्छे से भून लेंगे। देखिए इस तरह से चलाते हुए हम कसूरी मेथी को भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो रख के भूने, नहीं तो कसूरी मेथी जल जाएगी, फिर इसके अंदर से खुशबू नहीं आएगी। देखिए इस तरह से हम कसूरी मेथी को चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। कसूरी मेथी तो फ्रेंड्स हम हर सब्जी में यूज़ ही करते हैं, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और कसूरी मेथी अच्छे से स्टोर भी हो जाएगी। और भूनकर हम डालते हैं कसूरी मेथी सब्जी के अंदर तो उससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। देखिए ये सब भून गई है, अब हम इसे हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। पर फ्रेंड गैस को बंद करके कसूरी मेथी हल्की ठंडी होने पर ही आप इसे मैश करें, नहीं तो आपका हाथ जलेगा। देखिए मैंने मैश कर लिया है और इसे एक डिब्बे में भर लिया है।
इस तरह आप महीनों तक कसूरी मेथी को स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आप पालक के पकौड़े बनाएं, बेसन तो आप डालते ही हैं उसके अंदर, आप 2 चम्मच उसके अंदर दही डाल दें। और इसे पालक के अंदर अच्छे से मिक्स कर दें। और फिर आप इसके पकोड़े बनाएं। एक तो पकोड़े फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बनेंगे, टेस्टी बनेंगे, और बाहर से ये कुरकुरे होंगे और खाने में इतने टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतने टेस्टी पकोड़े ये बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए आप तलने के बाद देख ही सकते हैं कि इनका कलर कितना अच्छा है और ये पकौड़े कितने सुंदर दिख रहे हैं। बाहर से ये बहुत ही कुरकुरे दिख रहे हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, चाहे आप इसे चटनी के साथ खाएं, चाहे चाय के साथ खाएं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे किचन टिप्स का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं आपको मेरे किचन टिप्स कैसे लगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ और रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।